जो कमज़ोर दिल के ख़वातीनों हज़रात हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में अब्दुल्ला कुरैशी हैं, मुस्तफ़ा ज़ाहिद है और भी बहुत सारे लोग हैं। खुश हूँ बहुत, इसलिए क्योंकि मैं आईबीए जा रहा हूँ। आईबीए जाने की खुशी नहीं है, वहाँ इवेंट है एक जिसका नाम है आईबीए एनिग्मा 8, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ ऑफिशियल फोटोग्राफी करने 5 दिन के लिए। ठीक है, तकरीबन 1 साल पहले मेरा एक सपना था कि कभी आईबी के लिए मैं काम करूं, और आज वो सपना पूरा हो गया मेरा। तो बस वहां जा रहा हूं काम करने के लिए। अब सीन ये है कि सीन नहीं, अपने लफ्ज़ बोलूँगा, आई एम सॉरी, सीन वीन कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, वहां जाना है, काम करना है, अच्छा काम करना है, ताकि अगली दफ़ा वो मुझे बुलाएं। ठीक है, और अब्दुल मौसी आज जिस तरीके से अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली वालों से बात करता है, उसी तरीके से आज इस ब्लॉग में बात करेगा। ठीक है, वहाँ जाता हूँ, फिर आप लोग से बात करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आज का जो ये ब्लॉग है वो बिल्कुल नेचुरल लगे, जैसा मैं हूँ वैसा ये ब्लॉग बने। अब मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो आप लोग से बात करता हूँ, तब तक के लिए। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया दरअसल गोल है, पर जो मेरा काम है वो काफ़ी अनमोल है। अपने काम को लेके मैं आप लोग के सामने जिस तरीके से आता हूँ वो तो आप सबको दिखता है। ये काम मेरी मंजिल है, मेरा रास्ता है, मेरा सफ़र है, हर चीज़ है। अगर आप लोग कहीं मेरी मंजिल मिलती है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, अगर नहीं मिलती है तो ये सफ़र जारी रहेगा इसी तरीके से। और अपनी इस मंजिल की खोज में इतना खो जाना चाहता हूँ कि अपने सवालात और अपने जवाबात की तशरीह खुद कर सकूँ, अपने अखलाक और अपने जज्बात को इतना काबू कर लूं कि अपनी मंजिल को अपने सामने पा सकूं। अगर ना भी पा सकूं तो ये कोशिश कभी ख़त्म नहीं होगी मेरे अल्फाजों की तरह। ये है, काफ़ी पब्लिक देख रहे हैं आईबीए में। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद इवेंट शुरू होगा, फिर मैं काम करूंगा और फिर मज़ा आएगा। क्योंकि दुनिया हमें अब छोड़ गए, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, नहीं हमें अब छोड़ गए, राह की बाहों को छोड़ छोड़।